ये जितनी मर्जी सीटें इधर से उधर कर लें, इस्तेखाम में पाकिस्तान भी साथ मिल जाए, नून लीग भी साथ मिल जाए, कोई भी साथ मिल जाए, बट उनको पता है कि हम लोग बहुत वीक हो चुके हैं और पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि हम लोग इतने वीक हो चुके हैं कि हम लोग अब इस तरफ ही जाएंगे। ये लोग पीटीआई खान साहब को बाहर निकाल दे, सिर्फ एक दिन की भी मोहलत ना दे, एक सिर्फ 3 घंटे की मोहलत दे दे, 3 घंटे के उधर ही बैठे हुए अनाउंस कर दे कि यार मैं आज जलसा कर रहा हूँ, ठीक है, और इनको नज़र आ जाएगा क्या रिजल्ट होते हैं और क्या नहीं होते। ये दोनों पार्टियाँ इतनी नालायक हैं, इतने बुजदिल लोग हैं, मुकाबला करने के बजाय आपस में इत्तेफाक और बरकत के साथ जो है ना वो कहते हैं ना कि दो माएँ जो हैं वो एक साथ होने जा रही हैं। ऐसा मैं आपको ये बता दी चलूँ कि आपको पता भी होगा कि IPP और PMLN में सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही हैं, मीटिंग भी हो चुकी है। क्या लगता है कि ये सीट एडजस्टमेंट का जो फैसला होने जा रहा है इससे बाकी पार्टियाँ कैसे और कौन कौन सी पार्टियाँ अफेक्ट हो सकती हैं? या फर्स्ट ऑफ ऑल ना पहले नंबर पे ना पीपल पार्टी होगी अफेक्ट, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ना जो जरदारी साहब हैं इस चीज़ को लेके आके ना काफ़ी ज़्यादा उठाएंगे बात को कि आप लोग आप करना क्या चाह रहे हो। बट ये है कि इनको भी पता चले पीपल पार्टी को भी कि यार ये वो बंदे हैं जो पीठ के पीछे ना चूरा खम्भो के ना अपने आप को आगे लाते हैं, ठीक है ना। आप पीपल पार्टी जैसे कि आपको पता होगा जैसे PTI की हुकूमत थी, ठीक है, तो कैसे इन्होंने अपनी जमात बनाई, जमात बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, पीपल पार्टी साथ मिल गई, ठीक है ना, फजलुर रहमान साथ मिल गया, ठीक है ना, नून लीग साथ मिल गई, इन्होंने मिलकर सारी PTI को सारे पीछे किया, ठीक है ना। अब इनको भी नज़र आए, पीपल पार्टी को भी नज़र आएगा कि यार ये लोग वो बंदे हैं, ये बंदे अपने आप मनवाने के लिए ना हर बंदे के नीचे गिर सकते हैं। पाकिस्तान पार्टी को देखा जाए तो वहाँ पर वो बंदे हैं जिनको हम PTI का लॉयल बंदा कहते थे, लॉयल PTI वर्कर्स कहते थे, अब ये वर्कर्स जो है वो जब PMLN के साथ मिल रहे हैं तो क्या लगता है कि ये कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगी PTI के लिए? बहुत ज़्यादा नहीं, PTI के लिए गड़बड़ नहीं होगी, मैं इस चीज़ को जानता हूँ। PTI के लिए खान साहब के लिए कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, खान साहब वो अलग है, देखे ना आप कितनी देर होगी उसको जेल में बंद किया हुआ, उसका एक तरफ से कोई भी रिएक्शन, अगर आप उसको जेल में ही बंद रखो, सारा कुछ बंद रखो, ठीक है ना, सिर्फ अवाम के ऊपर छोड़ दो, अवाम को ये को वोट जिसको देना है ना आप अपनी मर्जी से दो, आप बिलीव करो फिर भी खान साहब को ही वोट जाएंगे जो भी होगा। अब ये जितनी मर्जी सीटें इधर से उधर कर लें, इस्तेखाम में पाकिस्तान भी साथ मिल जाए, नून लीग भी साथ मिल जाए, कोई भी साथ मिल जाए, बट उनको पता है कि हम लोग बहुत वीक हो चुके हैं और पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि हम लोग इतने वीक हो चुके हैं कि हम लोग अब इस तरफ ही जाएंगे। ये लोग PTI खान साहब को बाहर निकाल दे, सिर्फ एक दिन की भी मोहलत ना दे, एक सिर्फ 3 घंटे की मोहलत दे दे, 3 घंटे के उधर ही बैठे हुए अनाउंस कर दे कि यार मैं आज जलसा कर रहा हूँ, ठीक है, और इनको नज़र आ जाएगा क्या रिजल्ट होते हैं और क्या नहीं होते हैं। बट अब ये जिस तरह मर्जी पार्टियाँ बना ले, कभी किसी से जाके मिल ले, और यकीन माने मुझे ज़्यादातर ना दुख ना अलीम खान पे और जंगीर तरीन पे होता है कि जो अब जब PTI स्टार्ट थी ना तब से ले कर एंड तक अलीम खान साथ रहा है, ठीक है, क्या खान ने उसको सिर्फ उसको एक चीज़ बुराई से रोका इसलिए वो खान बुरा हो गया? बट अब पाकिस्तान का ना निज़ाम है ना जो के निज़ाम चल रहा है वो निज़ाम नहीं है, वो सिर्फ ये है कि अपनी मर्ज़ी का निज़ाम चल रहा है कि इनके मतलब आप बता क्या है। अब देखें पहले क्या था, नून लीग और पीपल पार्टी आपस में ऐसे लड़ती थी, वो कभी किसी को भगोड़ा बोलती थी, वो इधर को भगोड़ा बोलती थी, उसके बाद एक और ऐड हुई, ठीक है ना, फजलुर रहमान के बाद कौन सा ऐड हुआ, PTI ऐड हुई, ठीक है, PTI के अब आ गए इस्तेखाम में पाकिस्तान। ऐसे ही पार्टीज बनेंगी, ऐसे ही आपस में मिलेंगे, मिलके सारा कुछ सीटों को इधर करेंगे, फलानी शहबाज शरीफ साहब जाएंगे अब उनको, ठीक है कि हम लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, काफली को ऐड करेंगे, सब चीज़ें होंगी, ठीक है, बट किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उनको फ़र्क बताएंगे अवाम बताएगी, ठीक है, अवाम जिसे चाहे वोट दे सकती है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं। हाँ अब हम इतना जानते हैं हमारे वोट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, जिसको हम लोग ने जिसको चाहना है ना हमने वोट देना ना हमारी वैल्यू नहीं होगी। बट ये चीज़ वो मीटिंग की वीडियो देगी ट्विटर पे इस वक्त जो है वो चल रही है कि IPP और PMLN जिस तरह से वो जंगीर तरीन और शहबाज़ साहब मिल रहे हैं, तो क्या कमेंट था आपका पहला? यार सबसे पहले बड़ा अफसोस भी हुआ था कि यार ये वही बंदे हैं, ठीक है ना, नून लीग में आप इन अंदाज़ लगा लो, नून लीग में कौन से बंदे हैं, कोई भी मुझे बता दे, पढ़ा लिखा बंदा बता दे, ठीक है ना, इस खामे पाकिस्तान में भी कौन बंदे आए हैं जो PTI से छोड़ के आए हुए हैं, इतने लॉयल होके 21-21 साल 22-22 साल PTI के साथ रहे हैं, ठीक है, उनको पता था कि यार हमें PTI से कुछ मिल नहीं रहा, वो हमें कुछ करने नहीं दे रहा, हमें सीधी राह की तरफ लगा रहा है, हम लोग अपनी जेबें ना भर पाएंगे इधर रह के, इन्होंने अपनी इस खामे पाकिस्तान बना ली, अब इस तरह कर रहे हैं, ठीक है ना। वो वर्ड कमेंट्स क्या आने थे, कमेंट्स यही आए
थे कि अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम कर। सिर्फ क्या कहेंगे आखिर में आप देखने वाली ऑडियंस? सिर्फ ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा, यार देखो हक की राय पे निकलो, जो आपका हक है। अगर तोड़ पार करने से ना, यकीन माने जिस तरह ये आपस में बाइट आके ठीक है हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, ये ना करो, जो आपका हक है ना वो लो, ठीक है, आवाज़ से लो, मार से ना लो। मार से हमेशा हमारे मुल्क की जो रेपो है ना बहुत ज़्यादा नीचे चली गई हुई है। हमारा जो लास्ट हमारे साथ जो हुआ है, जो भी हुआ है, 9 मई का वाक्य भी हुआ है, ठीक है ना, वो किस वजह से हुआ है जो भी सब पूरी दुनिया को पता है, बट मार तोड़ से क्या हुआ है, क्या हुआ है, हमारे मुल्क का नाम नीचे गया है। सिर्फ यही कि हम लोग यही चाहते हैं हमारा मुल्क कितना स्टेबल हो। हमारा मैं सबसे बड़ी एग्जाम्पल देता हूँ, हमारा साथ वाला हमसाया मुल्क एक साथ ही आज़ाद हुए। 1947 14 अगस्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 कौन आज़ाद हुआ, इंडिया भारत। आज भारत की इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी कहाँ पे है, ज़मीन आसमान का। हमारा एजुकेशन कहाँ पे, उनका एजुकेशन कहाँ पे है, वो कहाँ पे चले गया। हम लोग अभी स्टिल वही लड़ाइयों झगड़ों में है कि हमारा मैं वज़ीर आज़म बनूँगा, नई सी नई पार्टी आके थोड़ा पैसा लगा के यार मैं वज़ीर आज़म, बट यार खुदारा ये चीज़ ना करो, अपने मुल्क के लिए लॉयल होके चल लो, कोई भी बन ले यार। मैं कितना कहता हूँ यार, नून लीग आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, पीपल पार्टी, पाकिस्तान के लिए सोचो यार, जो पाकिस्तान के इस टाइम अल्लाह पाक ने वाहद ये मुल्क है जिसको अल्लाह पाक ने इतने बहुत नेमतों से नवाजा है, हर चीज़ ठीक है ना, बाहर भी है ठीक, हर चीज़ इधर है, ईच एंड एवरीथिंग, बट क्या हमारे यहाँ पे बेचारे गरीब से गरीब मरता जा रहा है, अमीर से अमीर होता जा रहा है, मिडिल क्लास को कोई परवाह नहीं, उनको पता है कि यार मैंने जॉब करनी है और नौकरी करनी और खाना है, मैंने अपने घर को थोड़ा बहुत स्टैंड कर लेना, ठीक है, ये चीज़ है। बस ये खुदारा अपने पाकिस्तान मुल्क के लिए सोचो, जिस पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे की बुनियाद पे इस मुल्क को लिया गया था, और हम लोग क्या करें यार, हमारे मुल्क में सिर्फ कलमे की, सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, एट इस चीज़ को लेके ना अपने मुल्क का सोचो। शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ह्यूमैनिटी नहीं रही तो ये फिर रिलीजन, तो फिर कहते हैं जी सबसे बड़ा जो मजहब है वो इंसानियत है, वही नहीं रहा। फिलहाल मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए, ठीक है? जैसे मैं ठीक ठाक। जैसा कि आप जानते हैं कि IPP और PMLN दो जो हैं वो ऐसी पार्टीज़ हैं, PMLN को बड़े से जानते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है और सीट एडजस्टमेंट होने के लिए जा रही है। अब नेक्स्ट जो है वो मुलाकात होनी है कायद PMLN के कायद नवाज शरीफ साहब के साथ। क्या लगता है कि ये सीट एडजस्टमेंट जो होने जा रही है, आप इसके बारे में पहली राय क्या है, और दूसरा किन किन पार्टीज़ को ये सीट एडजस्टमेंट अफेक्ट कर सकती है? अच्छा, इसमें यह है कि मैं इन दोनों पार्टियों को इतना कोई लेवल का नहीं समझता, उसकी वजह यह है कि मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ तो ये कहती है कि हमारा मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है, और दूसरा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी कहती है कि हमारा मुकाबला PTI के साथ है। ना तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ जाने दे रहे हैं, ना दूसरी तरफ उनको दस्ते करने दे जा रहे हैं, फिर कहते हैं जी मुकाबला हमारा उनके साथ है। और तीसरी बात यह है कि समय से वाला तर है, ये दोनों पार्टियाँ इतनी नलायक हैं, इतने बुजदिल लोग हैं, मुकाबला करने के बजाय आपस में इतफाक और बरकत के साथ जो है ना, वो कहते हैं ना कि दो माएँ जो हैं वो एक साथ होने जा रही हैं। अच्छा, अब ये बात ये है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ लोग तो जोकतर चौक आ रहे हैं, दूसरी तरफ PTI वाले कहते हैं कि यार इनके पास तो उम्मीदवार भी नहीं है, तीसरी तरफ ये कहते हैं जी हमारे यहाँ तो लोग इतने आ चुके हैं कि हम एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं, तीसरी तरफ ये इनकी हालत है कि आपस में इत्तेफाक करके जो है मतलब इलेक्शन लड़ने चाह रहे हैं, मतलब कि इनकी इतनी अहलियत ही नहीं है, इतना मियार भी नहीं है इनका कि ये आपस में कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये कि इन्होंने सिर्फ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौफ के साथ भी इन्होंने इतिहाद की कोशिश की है, ये इनकी हालत है, ये इनका लेवल है, फिर ये मुकाबला करते हैं इमरान खान के साथ। इमरान खान के साथ देखे ना, IPP में सारे वो लोग हैं जो तकरीबन जो है वो बहुत लॉयल माने जाते थे, PTI के वर्कर्स बड़े लॉयल हैं, तो क्या कहेंगे फिर, ये समझ नहीं आता। इमरान खान को सारे छोड़ जाए, इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ना, वो जितने भी है ना PTI के जितने भी बड़े बड़े लीडर थे वो सारे ले ले, और नून लीग भी जो रहते चाहते कुछ कोशिश करें, जो वो छोटे जो मतलब जिनको जिन्होंने पीछे रह कैसी वो ही लेन ले पर गई, पर मुकाबला नहीं कर सकते। क्या कहेंगे आखिर में आप देखने वाले यंगस्टर्स को? यही कहूँगा कि यार मुकाबला करें, ये वो कहते हैं ना कि नाम तो आपने शेर रख दिया अपने जो है निशान का, लेकिन आप मुकाबला नहीं कर सकते, डरपोक लोग हैं, बुज़दिल न बने,
आए मुकाबला करें, और मुकाबला करने के लिए हमेशा मैदान में रहा जाता है, भागा नहीं जाता। भागा नहीं जाता। बहुत शुक्रिया जी आपकी कीमती राय का, मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा।